टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। एयर की प्रॉपर्टीज, एयर एग्जर्ट प्रेशर, और एयर क्या, एयर के अंदर क्या होता है, जोर लगाता है यानी प्रेस करता है यानी प्रेशर डालता है। एयर एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल सराउंडिंग, एयर जो है सब जगह क्या करता है, सारे डायरेक्शन में क्या करता है, वो प्रेशर डालता है यानी वो जोर डालता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट बॉम्ब बार्डमेंट ऑफ मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एयर चारों साइड क्या करते हैं, मूव करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द गिवन एक्टिविटी विल बी हेल्प ऑफ द डेमोन्स्ट्रेट देयर एग्जर्ट प्रेस। सेकेंड पॉइंट इज हाई स्पीड विंड कॉज रिड्यूस प्रेशर। अगर ज़्यादा अगर हवा अगर होगी तो उसका जो प्रेशर होता है कम हो जाता है। जस्ट यूज मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स डेनियल बर्नौली ऑब्जर्व दैट, ये दोनों साइंटिस्ट थे और इन्होंने देखा डैट व्हेन द एयर मूव्स विथ एन, जब एयर मूव करता है, जब उनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, इट्स प्रेशर डिक्रीज, उसका प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है द प्रेशर। द गिवन एक्टिविटी शोन दैट द फिगर रिड्यूस व्हेन द मूव एयर मूव्स विद अ हाई स्पीड, यानी जब हवा जब बहुत ज़्यादा तेज होता है तब प्रेशर क्या हो जाता है, उसका धीरे हो जाता है। नाउ एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी जब अगर हीट करे, अगर हीट होगा, यानी एयर कब एक्सपेंड करेगा, जब हीट होगा, व्हेन एयर इज हीटेड, जब एयर हीट होगा, द पार्टिकल्स ऑफ हॉट एयर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और जब एयर जो है हॉट एयर जो हीट होगा तो चारों साइड वो मूव करेगा। दे मूव फास्टर देन पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड एयर, यानी कोल्ड एयर से ज़्यादा वो मूव करेगा, कौन, हॉट एयर। सो वी कैन से दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसलिए हम इसको बोलते हैं एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। व्हेन एयर गेट्स कूल, जब एयर जो ठंडा हो जाता है, इट्स कॉन्ट्रैक्ट पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड एयर इज कम क्लोजर टू वन अनदर, तब जो कोल्ड एयर होते हैं वो सब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। नेक्स्ट, हॉट एयर राइजेस, कैसे हॉट एयर राइज करता है, यू कैन सी इन द प्रीवियस एक्टिविटी दैट एयर एक्सपेंड ऑन द हीटिंग, हमने पढ़ा कि एयर एक्सपेंड होता है कब, जब हीट होता है। द वार्म एयर इज लाइटर एंड एक्सपेंड, कैसे, एंड देयरफॉर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जब अगर वार्म एयर क्या होगा, जब एक्सपेंड होगा तब वो स्पेस को कवर करेगा। हैव यू ऑब्जर्व स्मोक कमिंग फ्रॉम द चिमनी, जैसे आप ये देख रहे हैं ये हॉट एयर है, यानी ये उड़ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी मोर एरिया ये स्पेस कवर करेगा। हैव यू ऑब्जर्व सम कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, दिस इज बिकॉज स्मोक इज वार्म एंड लाइटर एंड हैंस गोज अप, और क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्मोक क्या है, गर्म है और उसका जो, और ये लाइटर भी है, इसलिए ये ऊपर की ओर राइज कर रहा है, हॉट एयर है इसलिए ये राइज कर रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।